हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है एक क्लच से रिलेटेड। तो गाइज, ये गाड़ी आई है हमारे पास कंपनी में, इसकी सर्विस हुई थी और हमारे पास ये बम्पर पेंटिंग के लिए गाड़ी आई है। तो जैसे ही हमने इसमें चेक किया है कि क्लच बैरिंग इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, जो कि कंपनी वालों ने कस्टमर को नहीं बताई थी ये चीज़, क्योंकि ये बहुत रिस्की है और कभी भी बैरिंग टूट सकता है और गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो ये चीज़ें कंपनी वालों को बता देनी चाहिए थी, तब उन्होंने सर्विस की थी गाड़ी की। तो कस्टमर ये कह रहा है कि मुझे कंपनी वालों ने कुछ नहीं बताया है। तो हमारे पास तो सिर्फ पेंटिंग के लिए आई थी, जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो इसके अंदर मुझे क्लच बैरिंग में से आवाज़ें आने लगी थी। तो मैंने कस्टमर से बताया था कि आपका क्लच बैरिंग आवाज़ कर रहा है, तो बोल रहे थे कि मैं अभी कंपनी से आया हूँ, गाड़ी मैंने वहाँ पर सर्विस कराई थी, मुझे तो कंपनी वालों ने कुछ नहीं बताया है। तो जैसे ही मैंने कस्टमर को आवाज़ सुनाई है तो कस्टमर कह रहा है हाँ भाई आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही मैं आपको भी सुनाता हूँ, एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं इसके साउंड सुनाऊंगा क्लच बैरिंग के। जैसे आप यहाँ पे साउंड सुन पा रहे होगे, ये सेंसें के साउंड जो आ रहे हैं वे क्लच बैरिंग के आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा वो क्लच के साउंड, मैं अभी चलो इंजन कंपार्टमेंट में आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको साउंड सुनाऊंगा इसके। तो यहाँ पे देखिए, आप साउंड सुन पा रहे होगे गाइस, यहाँ पे क्लच बैरिंग का बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो कस्टमर ने हमें बोल दिया है कि आप हमारा क्लच बैरिंग चेंज कर दीजिए। तो चलिए अभी हम इसका गियरबॉक्स उतारते हैं और क्लच का प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि पूरा फैटी हम इसका चेंज करेंगे। तो गाइस, जैसे आपने यहाँ पे साउंड सुने होंगे, मैंने भी आपको इंजन कंपार्टमेंट जाके साउंड सुनाए है क्लच बैरिंग के, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साउंड आ रहे हैं, कभी भी बैरिंग टूट सकता है, इसी कंडीशन बैरिंग की हो रखी है। तो चलिए अभी हमने कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया है, बोल दिया है कि आप क्लच का प्रॉपर काम कर दीजिए। तो चलिए अभी हम इसका गेयरबॉक्स उतारते हैं और क्लच का हम प्रॉपर काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकती है। गाड़ी है बिल्कुल नई गाड़ी है कस्टमर की, सिर्फ 56,658 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई, जैसी आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए खोलते हैं अभी इसका गियरबॉक्स हम, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अंदर बैरिंग की क्या कंडीशन है और क्लच सेट की क्या कंडीशन है। फाइनली गाइज, यहाँ पे गियरबॉक्स आ चुका है और यहाँ पे लगा हुआ है बैरिंग, जो स्टार्टिंग टाइम में जो नॉइज कर रहा था, ये वाला बैरिंग है वो। तो जैसे मैं आपको साउंड सुनाऊंगा, इसे घुमाऊंगा, तो इसमें बहुत तेज साउंड आ रहे हैं, जो कि उस टाइम पर आ रहे थे जब मैंने आपको सुनाए थे। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैरिंग की कंडीशन टूटने वाली हो रही है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नॉइज है, इसकी वजह से कहीं भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती। यहाँ पे खोल लिया है अभी, कुछ इस तरीके से कंडीशन है क्लच सेट की। ये क्लच सेट यहाँ से खत्म हो चुका है पूरा, तो हम इसमें क्लच सेट भी पूरा नया डाल देंगे, क्योंकि जब एक बार खुल रहा है तो प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा तो सही रहेगा। ये यहाँ से बिल्कुल प्लान हो चुकी है, जो कि स्लिप मार रही है यहाँ से। फाइनली गाइज, यहाँ पे पूरी क्लच की फिटिंग हो चुकी है और हमने रोड टेस्ट ले लिया है, गाड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो कि पहले क्लच बैरिंग आवाज कर रहा था वो बैरिंग अब नहीं आ रही है। तो चलिए मैं भी आपको स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ, वो कितने स्मूथ साउंड आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइज, गाड़ी अभी स्टार्ट है, वो मैंने प्रॉपर यहाँ पे क्लच पैंडल दबा रखा है, बिल्कुल सेम साउंड है, जो कि पहले क्लच पैंडल दबाते ही साउंड चेंज हो जा रहे थे, क्लच बैरिंग आवाज कर रहा था। तो अभी बिल्कुल स्मूथ है इंजन, यहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही है। हमने गाड़ी का रोड टेस्ट भी ले लिया, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती रहेगी।